नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुख करेंगे आज की 10 बड़ी खबरों का। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर किसी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर नहीं चलेगा, ये बुलडोजर सिर्फ माफियाओं और अवैध संपत्तियों पर ही चलेगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य में फैले अवैध रेत खनन के कारोबार को लेकर एक्शन में आ गई है। सीएम भगवंत मान ने इस संबंध में एक अहम मीटिंग बुलाई। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान 2 या 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है, जिसके बाद 2 दिनों तक कोई बदलाव नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदन में आवाज उठाएगी और अधूरी भर्तियों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेगी। भारत में नए कोविड-19 केसों में 7.3% बढ़ोतरी दर्ज की गई। नजीतनन पिछले 24 घंटे में 1109 मामले सामने आए। पूर्व विदेश मंत्री और पीटीआई के वरिष्ठ नेता शाह महमूद कुरैशी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन किया। आज शुक्रवार को रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहर कार्मस्टोक में एक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला किया है। इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी के संभाल में सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब को लेकर कहा कि लड़कियों के लिए जरूरी है, जब बेटियां बड़ी होती हैं तो उन्हें नियंत्रण रखने के लिए हिजाब पहनना जरूरी है। पेट्रोल और डीजल के दामों में गुरुवार की तरह शुक्रवार को भी स्थिरता दर्ज की गई, हालांकि इससे पहले लगातार 16 दिन में 14 बार रेट में वृद्धि हुई थी। असम के नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा चीख चीख कर भ्रष्टाचार की मार की निशानी दिखा रही है और बता रही है कि कैसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।